सब्सक्राइब करें अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन में, जहां आप पाते दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट और कैप्सूल के बारे में, जानेंगे कि किस ग्रुप से यह बिलोंग करता है, क्या क्या इसकी ब्रांड नेम मार्केट में अवेलेबल है, क्या इसका प्रयोग रहता है, पूरे विस्तार से इसको जानेंगे। साथ ही जानेंगे इसके साइड इफेक्ट के बारे में, क्या इसकी डोज होती है, किस किस बीमारी में कितनी देनी चाहिए, साथ ही इसके इंटरेक्शन के बारे में, किन किन दवाओं के साथ इसको नहीं लिया जा सकता, किस तरह की आपको सावधानी रखनी होती है। और वीडियो के लास्ट में हम जानेंगे यदि कोई महिला कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का प्रयोग कर रही है तो उसे क्या सावधानी रखनी चाहिए यह डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल लेते समय, और साथ ही मलेरिया के में जब ये दवा दी जाती है तो क्या स्पेशल डोज इसकी होती है। और इस कारण से दोस्तों वीडियो काफी लंबा भी हो जाएगा, तो मेरी अनुरोध है आपसे इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि पूरी जानकारी आपको डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में मिल सके, क्योंकि बहुत ही अच्छी उपयोग में लाई जाने और बहुत ही बेहतरीन ये दवा है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज फिर कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। डॉक्सीसाइक्लिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की एक दवा है, साथ ही एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है। यह दवा माइक्रोब्स, बैक्टीरिया तथा पैरासाइट से होने वाले इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। डॉक्सीसाइक्लिन आपको टेबलेट फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म, सिरप तथा इंजेक्शन फॉर्म सभी में मार्केट में अवेलेबल मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आप सिर्फ डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट और कैप्सूल के बारे में जानेंगे। डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट और कैप्सूल 50 मिलीग्राम, 100 मिलीग्राम और 200 मिलीग्राम के अलग अलग स्ट्रेंथ में आते हैं। वैसे तो जो डॉक्सीसाइक्लिन का टेबलेट और कैप्सूल है सिंगल स्ट्रेंथ में, मतलब सिंगल कॉम्बिनेशन में आता है, उसमें डॉक्सीसाइक्लिन ही रहता है, लेकिन कई कंपनियां डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस भी एड करती है। इसका मुख्य कारण है जब व्यक्ति ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक लेता है उसको डायरिया, मतलब दस्त की शिकायत रहती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, रोकने के लिए पहले से ही डॉक्सीसाइक्लिन के साथ में लैक्टिक एसिड बेसिलस ऐड कर दिया जाता है। और यदि कोई आप में से लैक्टिक एसिड बेसिलस के बारे में वीडियो देखना चाहते हो, ऊपर मैंने आई बटन में इसका लिंक दिया है, आप वहां पे क्लिक करके इसके बारे में देख सकते हैं। डॉक्सीसाइक्लिन कब दिया जाता है? जनरली जब व्यक्ति को पेनिसिलिन से रेसिस्टेंट हो जाता है, पेनिसिलिन जो ग्रुप है उस समय वो एलर्जिक है, तो उस समय यह दिया जाता है। पेनिसिलिन मतलब एमोक्सिसिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन, एमोक्सिसिलिन, क्लेवोनिक एसिड, ये जो दवा है इस, यह जब कार्य नहीं करती व्यक्ति पे, तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल व्यक्ति को दिया जाता है। अब इसके यूज के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या इसका यूज रहता है। जैसा कि हमने जाना था, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया और पैरासाइट्स जो है इसके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यदि किसी व्यक्ति को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया, मतलब किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल निमोनिया हो गया हो, यह लंग्स का इन्फेक्शन है दोस्तों, जिसमें व्यक्ति को बुखार आ सकता है, कई बार यह होने के कारण व्यक्ति को चेस्ट में पेन हो सकता है, श्वास लेने में परेशानी हो सकती है और सूखी खांसी आ सकती है, ये कुछ बैक्टीरियल निमोनिया के लक्षण है। यदि ऐसी स्थिति हो तो डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल मरीज को दिया जाता है। साथ ही साइनोटिस नाम से एक बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बार बार जुकाम लगता है, नाक में पानी बहता रहता है, यदि ऐसी स्थिति भी हो तो यह दवा प्रयोग में लाई जाती है। ब्रोंकाइटिस, यदि किसी व्यक्ति को मतलब ब्रोंकाई में उसको सूजन आ गई हो, जिस कारण से सूखी खांसी होना या श्वास लेने में परेशानी जैसी स्थिति होती है, तब भी डॉक्सीसाइक्लिन कैप्सूल डॉक्टर द्वारा मरीज को प्रेस्क्राइब किया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन हो गया है, मतलब व्यक्ति को पेशाब करते समय दर्द होता है, जलन होती है, तब भी यह दवा डॉक्सीसाइक्लिन बहुत ही अच्छा असर करती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को यूरेथ्रा में उसको सूजन आ गई हो, पेशाब की थैली में उसको सूजन आ गई हो, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। और इसका जो सबसे बहुत ही अच्छा उपयोग है वो एक्ने को ठीक करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एक्ने वल्गेरिस यदि किसी को हो रखा है जो कि 18 की उम्र के बाद में होता है, उस समय यह दवा बहुत ही अच्छा असर करती है और डर्मेटोलॉजिस्ट का फेवरेट मेडिसिन है। जब एक्ने किसी को होता है तो उसको स्किन पे जो एक्ने के हेड है वो या तो व्हाइट हेड्स रहेंगे या ब्लैक हेड्स रहेंगे, साथ ही ऑयली स्किन हो जाएगी और ये इन्फेक्शन के कारण रहता है। और जब एक्ने वल्गेरिस के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है तो इसमें क्लिंडामाइसिन जो क्रीम है वो भी दी जाती है, डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाता है और साथ में कुछ कॉम्बिनेशन थेरेपी भी दी जाती है। तो अगर कंप्लीट ट्रीटमेंट यदि एक्ने के लिए लिए तो बहुत ही जल्दी एक्ने ठीक हो जाते हैं और बहुत ही अच्छी ये दवा एक्ने के लिए है। और एक्ने के अलावा यदि बात करें, यदि किसी व्यक्ति को बैक्टीरियल के कारण आई में इन्फेक्शन हो गया हो, जिस कारण उसको आंखों में इचिंग हो रही हो और कई बार धीरे धीरे बढ़ता हुआ ब्लाइंडनेस तक पहुंच जाता है, तो उस समय भी डॉक्सीसाइक्लिन
बहुत अच्छा असर करती है। साथ ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में अगर बात करें, जैसे कि गोनोरिया महिलाओं की बीमारी जिसमें महिलाओं की वेजाइमा ना वाइट डिस्चार्ज रहता है, उनको बर्निंग सेंसेशन रहता है यूरिन करते समय, उसमें भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। साइफिलिस नाम से एक बीमारी है दोस्तों, जो मेल और फीमेल दोनों में होती है, ये भी शारीरिक संबंधों के कारण बढ़ती है। इसमें महिला के जननांगों में और पुरुष के जननांगों में छोटे छोटे अल्सर देखने को मिलेंगे जो 1 से 2 mm साइज के होते हैं। इसमें कोई भी दर्द नहीं रहता है, ये इसकी प्राइमरी स्टेज है। और सेकेंडरी स्टेज में जो अल्सर है ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं, जिस कारण से मरीज को बहुत ही ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। और प्राइमरी अगर सेफेलिस में ये डॉक्सीसाइक्लिन दिया जाए तो बहुत ही अच्छा इसका असर है और ये कंप्लीट तरह से उसको क्योर कर देता है। साथ ही क्लैमाइडिया इन्फेक्शन एक बीमारी है जिसमें महिला को और पुरुष को ये शारीरिक संबंधों के कारण होता है। इसमें भी महिला के वेजाइना में वाइट डिस्चार्ज रहेगा और उसको यूरिनेशन के समय पेन और बर्निंग सेंसेशन रहेगा, और मेल्स में पेनिस में डिस्चार्ज और यूरिन के समय आपको बर्निंग सेंसेशन और पेन रहता है। और इसके अलावा मेल्स में जो टेस्टिस है उसमें स्वेलिंग देखी गई है, कई बार एक टेस्टिस में सूजन आती है, कई बार दोनों टेस्टिस में सूजन आती है। तो ये भी इस बीमारी के कुछ लक्षण है। तो ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है इनको ठीक करने के लिए भी यह दवा बहुत ही उपयोगी है। और यदि किसी व्यक्ति को टिक बाइट के कारण या लॉस बाइट के कारण फीवर हो गया है तब भी यह दवा प्रिस्क्राइब की जाती है, बहुत ही अच्छा असर करती है। और एक रेयर बीमारी है दोस्तों एलिफेंटियासिस, जिसे लिम्फेटिक फ्लेरेसिस भी कहते हैं। इस बीमारी में व्यक्ति के हाथ में पांव में या पूरे शरीर में कहीं भी बहुत ही ज्यादा सूजन आ जाएगी और ये जो सूजन है यह बढ़ती जाएगी और जो वहाँ सूजन आई हुई स्किन है वहाँ पे हार्ड स्किन हो जाएगी, जैसे कि आप नाम से ही जान सकते हैं एलिफेंटियासिस, एलिफेंट के जैसे उसकी स्किन हो जाती। तो उस बीमारी में भी यह दवा डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। साथ ही मलेरिया में भी इस दवा का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मलेरिया जिसमें क्लोरोक्विन टेबलेट देके ठीक किया जा सकता है, उस समय भी यह दवा बहुत ही अच्छा उपयोग ली जाती है। यह दवा सिर्फ उसी समय प्रयोग ली जाएगी जब क्लोरोक्विन से मरीज रेसिस्ट हो गया है, मतलब क्लोरोक्विन उस व्यक्ति को असर नहीं कर रही है, उस समय यह दवा आपको दी जाएगी। और किस तरह से दी जाएगी वीडियो के आगे के पार्ट में आपको मैं बताऊंगा। ये पूरी डिटेल से मैंने इसके यूज बताए। यदि शॉर्ट में समराइज बात की जाए तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, एक्ने में, आई इन्फेक्शन में, साथ ही सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज में, कुछ फीवर में और मलेरिया फीवर में, इस सभी में इसका प्रयोग किया जाता है और बहुत ही अच्छा इसको रिजल्ट मिलता है। अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही अच्छी दवा है लेकिन इसके भी कोई साइड इफेक्ट देखे गए हैं, जैसे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो कॉमन जो इसके साइड इफेक्ट है उसमें नोजिया रहना, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, डायहोरिया, ये कॉमन सा है। व्यक्ति को उल्टी दस्त और पेट दर्द हो सकता है। और टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ये दवा है इसलिए व्यक्ति को दांतों का डिस्कलरेशन इसके लॉन्ग टर्म यूज से हो सकता है, जॉइंट पेन उसको हो सकता है, ये कुछ समस्याएं इस डॉक्सीसाइक्लिन की। यदि ऐसा आपको लगे तो इस दवा का सेवन बंद करके अपने डॉक्टर से मिले जिससे कि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब इसकी डोज के बारे में जान लेते हैं, क्या इसकी डोज रहती है। कॉमनली यदि बात की जाए तो इस टेबलेट को सुबह शाम खाने के बाद में डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाता है। जो अलग अलग बीमारी है जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, गोनोरिया, क्लैमिडिया, इसमें जो इनिशियल डोज है 200 मिलीग्राम से शुरू की जाती है। एक दिन आपको 200 मिलीग्राम देके सुबह शाम से 100 मिलीग्राम पे आपको रखा जाता है और यह दवा आपको 7 दिन से लगाकर 15 दिन तक दी जाती है। कॉमन इसकी जो डोज है 100 मिलीग्राम की जो टेबलेट है, कैप्सूल है, आपको सुबह शाम दिया जाएगा और इसका जो ड्यूरेशन है 7 दिन से लगाकर 15 दिन या 30 दिन इन्फेक्शन के अनुसार हो सकता है। एक्ने वल्गरिस में जो इसकी डोज है अकॉर्डिंग टू जो रेफरेंसेस है, विकिपीडिया है, जो केडी त्रिपाठी जो बुक्स है, हैरिसन जो बुक है, उसमें 50 मिलीग्राम सुबह और 50 मिलीग्राम शाम को दिया गया है। लेकिन हाल ही के दिनों में मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि 100 मिलीग्राम की टेबलेट आपको सुबह शाम मरीज को दी जाती है और ये टेबलेट आपको 10 दिन दी जाती है और 10 दिन के बाद में इसको 100 मिलीग्राम या 50 मिलीग्राम सुबह शाम कर दिया जाता है। तो डॉक्टर इसकी जो डोज है अपने अकॉर्डिंग और पेशेंट के अकॉर्डिंग जो रेसिस्ट हो गए उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करके देते हैं। कॉमन डोज सुबह शाम खाने के बाद में ली जाती है। और यदि आप ये टेबलेट का सेवन कर रहे हैं तो आपको विशेष तौर से एक चीज ध्यान रखनी है कि उस समय आपको पानी खूब सारा पीना है जब आप इस टेबलेट को लेते हैं, क्योंकि यह टेबलेट टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। यदि आप पानी नहीं पिएंगे तो आपके पेट में सूजन आ सकती है, पेट में आपको दर्द हो सकता है। मलेरिया में जो इस डॉक्सीसाइक्लिन की डोज है उसके बारे में हम जान लेते हैं। मलेरिया में इस दवा को उसी समय दिया जाता है जब जो क्लोरोक्विन है उससे मरीज रेसिस्ट हो गया है। और जब ये डॉक्सीसाइक्लिन दवा दी जाती है तो उस समय
क्विनिन टेबलेट या प्रीमाक्विन टेबलेट, दोनों में से एक इस टेबलेट के साथ में दी जाएगी, उसी के बाद में व्यक्ति को बहुत अच्छा असर मिलेगा और मलेरिया फीवर उसको ठीक हो पाएगा। और जब आप ये डॉक्सीसाइक्लिन और प्रीमाक्विन टेबलेट लेते हैं तो आपको दूध का सेवन नहीं करना होता, सामान्यतः जो क्लोरोक्विन है उसके साथ में दूध के लिए कहा जाता है। और क्लोरोक्विन के बारे में यदि आप कोई देखना चाहते हैं तो ऊपर लिंक में आई बटन में मैंने दिया है, आप क्लिक करके उसके बारे में भी जान सकते हैं। तो ये विशेष तौर से आप ध्यान रखें, दूध का सेवन भी नहीं करें। और प्रेगनेंसी में यह जो दवा है कैटेगरी डी की है, जिस कारण से फीटस को कोई ना कोई नुकसान करती है, और अगर दे दी जाए गलती से तो फीटस के जो दांत है, जो बच्चे के दांत है, वो जन्म से ही खराब आएंगे और हड्डियों की कुछ समस्या उसको रहेगी। और यदि महिला कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है तो उसे यह दवा दी जा सकती है। अब इसके इंटरेक्शन के बारे में जानते हैं, किस किस दवा के साथ में इस डॉक्सीसाइक्लिन को नहीं दिया जा सकता। जैसा कि हमने बात की थी, मिल्क प्रोडक्ट मतलब डेयरी प्रोडक्ट कोई भी हो तो इस दवा के साथ में आप नहीं लें। साथ ही कोई व्यक्ति है जो कैल्शियम सप्लीमेंट, आयरन सप्लीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, वो इस दवा के साथ में नहीं लें। एंटासिडिक प्रिपरेशन यदि कोई ले रहे टेबलेट या सिरप, तो डॉक्सीसाइक्लिन के साथ नहीं लें। यदि आप लेना कंपलसरी है तो 2 से 4 घंटे का गैप रखें, उसके बाद में ही लें। और यदि कोई व्यक्ति डॉक्सीसाइक्लिन ले रहा है तो विशेष तौर से वो ध्यान रखें, लेक्सेटिव सिरप या लेक्सेटिव प्रिपरेशन का प्रयोग नहीं करें जिसमें मैग्नीशियम हो। जी हाँ, अगर मैग्नीशियम किसी लेक्सेटिव प्रिपरेशन में नहीं है तो आप ले सकते हैं, अगर मैग्नीशियम है तो आप उसे नहीं लेंगे। तो ये कुछ सावधानियां थी। इसके अलावा भी कोई एंजाइम रिड्यूसर है वो आप नहीं लें, जैसे फिनोबार्बिटोन, फिनाइंटोइन, उसके साथ में इसका जो वर्क है कम ज़्यादा हो जाता है। अब मैं एक लास्ट में इसका फेक बता रहा हूं दोस्तों, यदि कोई महिला है जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का प्रयोग कर रही है तो उसे इस दवा को किस प्रकार से लेना चाहिए। जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कर प्रयोग कर रहे हैं, गर्भ निरोधक दवाएं ले रहे हैं, तो डॉक्सीसाइक्लिन अगर साथ में लेते हैं तो डॉक्सीसाइक्लिन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का जो इफेक्ट है उसको कम कर देती है, मतलब वो कॉन्ट्रासेप्टिव अच्छी तरह से काम नहीं करता है, आपको अनसेफ प्रेगनेंसी का सामना करना पड़ सकता है। मतलब जब आप डॉक्सीसाइक्लिन टेबलेट लेते हैं या कैप्सूल लेते हैं तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अलावा भी आपको अदर प्रिकॉशंस रखने होते हैं, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो ये कुछ पूरी डिटेल मैंने बताई है डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में। दोस्तों नो डाउट बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन जो भी डिटेल थी सब मैंने डॉक्सीसाइक्लिन के बारे में बता दी है। उम्मीद करता हूँ इस योर फैक्ट आपके पास पहुँचे हैं, बिल्कुल सही से जानकारी आपके पास पहुँची होगी और वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। और यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर से इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए रेड बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दे, और पास में जो बेल आइकन है इसको भी दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, सबसे पहले आप वीडियो देख पाए। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ और देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल नाबोर्ड मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।